संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह का चौथे दिन भी धरना जारी रहा। वहीं गुरुवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आप सांसद संजय सिंह से संसद भवन परिसर में मिलने पहुंचे। इस दौरान सपा मुखिया ने कहा कि संजय सिंह और उन सभी विपक्षी सांसदों का मैं समर्थन करता हूं जो मणिपुर पर बहस चाहते हैं। इसके साथ ही सपा मुखिया ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ इंडिया के आंदोलन का भी समर्थन किया और आप सांसद से कहा कि लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। अखिलेश यादव गुरुवार को मैनपुरी सांसद और पत्नी डिंपल यादव के साथ संसद पहुंचे थे। उन्होंने आप सांसद संजय सिंह के मणिपुर के हालातों पर धरने का समर्थन किया। अखिलेश ने कहा कि सत्ताधारी दल लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे आप। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप एक नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नानियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए? सरकार को आगे आना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है, उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। मणिपुर में जिस तरीके से विवर्स वीडियो हम लोगों ने देखा है उसको लेकर संसद में मांग हो रही है, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री ना आ रहे हैं ना इस पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है। और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा, ऐसा नहीं कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहां क्या क्या हो रहा है। ये उनकी घबराहट है कल को, और हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है, कौन इंडिया को प्यार नहीं करता, कौन इंडिया को आगे नहीं ले जाना चाहता है। कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया, और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, देश की दो तिहाई जनता इनको हटाना चाहती।